कोलकाता के झोका मंडल पारा का ये वही मकान है जो एक पहेली बन चुका है। दरअसल बुधवार को इस मकान में रहने वाले चंद्रव्रत मंडल ने जब अपना दरवाजा नहीं खोला तो आसपास के रहने वाले लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने चंद्रव्रत के मोबाइल पर फोन किया लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। संदिग्ध हालातों को देखते हुए पड़ोसियों ने देवव्रत के रिश्तेदारों को सूचित किया। उन्होंने भी परिवार के दूसरे मोबाइल नंबरों पर कॉल मिलाना शुरू किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लिहाजा मामले की इत्तला पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जब मकान का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुई तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर देवव्रत, उनकी पत्नी रानी और बेटे सुप्रिया मंडल की लाश फांसी पर लटकी हुई थी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली लेकिन उन्हें वहां से कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ। मामला सीधा सीधा सुसाइड का नजर आ रहा था लेकिन पुलिस को मामला इतना सीधा नहीं दिख रहा था जितना लग रहा था। लिहाजा पुलिस ने आसपास के लोगों के साथ ही घर से मिले मोबाइल फोन की CDR भी चेक कराई। CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। तफ्तीश में पता चला कि परिवार पर काफी कर्ज था जिसे लेकर वो काफी परेशान थे और ये खुदकुशी की वजह हो सकती है। हालांकि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक हुई है कि ये मामला खुदकुशी का ही हो सकता है लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।